हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी स्टफ में। आज हम आपको बताएंगे कि जामिया स्कूल में 11th के एडमिशन के लिए साइंस का, आर्ट्स का और कॉमर्स का तीनों का एंट्रेंस सिलेबस क्या होता है और उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़कर आप एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आज के पूरे सिलेबस का रिव्यू हम आपको यहाँ पर बताएंगे वन बाई वन। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले सिलेबस हम रिव्यू करेंगे साइंस का। साइंस में जो है आपको क्लास 11 के साइंस के एंट्रेंस के लिए जो क्वेश्चन एंट्रेंस पेपर जो आपको मिलेगी शीट जिसमें आपको अपने आंसर्स ये करने हैं वो 100 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन जो आपके आएंगे एंट्रेंस में वो 100 मार्क्स के होंगे और 100 यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के, जिसमें इंग्लिश 25 मार्क्स के आएंगे, जीके 10, फिज़िक्स 15, केमिस्ट्री 15, बायोलॉजी 15 एंड मैथ्स 20। इस तरह टोटल हो गया 100। अब आर्ट्स की, आर्ट्स में 25 नंबर के इंग्लिश होंगी, जीके 15 और सोशल साइंस जो है यहाँ पे ज़्यादा नंबर के हैं, यानी टोटल मिलाकर हो गए 100। अब नेक्स्ट है कॉमर्स। कॉमर्स में 25 नंबर इंग्लिश के हैं, जीके 10 मार्क्स, मैथ्स 10 और सोशल साइंस यहाँ पर आर्ट्स से थोड़ा कम है बट यहाँ पे भी ज़्यादा नंबर्स हैं सोशल साइंस में, 40 मार्क्स। इस तरह इसके टोटल 100 हो गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंग्लिश तीनों में ही कॉमन है और तीनों में कॉमन होने के साथ साथ उसके मार्क्स भी कॉमन है, यानी 25 नंबर के तीनों से ही आएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, उनके टॉपिक्स क्या क्या होंगे, इंग्लिश में क्या टॉपिक्स आएंगे, जीके वगैरह, मैथ्स, सोशल साइंस, इन सब में क्या क्या टॉपिक्स होंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं जामिया स्कूल प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 36 पर। सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट टू क्लास 11 साइंस स्ट्रीम। तो सबसे पहले केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो केमिकल सब्सटेंस, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और ये तो मेन टॉपिक्स है ना। इसके अंदर भी और भी चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छी तरह पढ़ लेनी चाहिए। इसे आप वीडियो पाउज करके भी देख सकते हैं और बाकी आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इसका इस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, आप वहां से डाउनलोड करके भी इस पीडीएफ को रिव्यू कर सकते हो। और है नेक्स्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी में वर्ल्ड ऑफ लिविंग, लाइफ प्रोसेसेस, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी। नेक्स्ट है फिज़िक्स। फिज़िक्स में नेचुरल फिनोमेना पर एक टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना है, बाकी इफ़ेक्ट्स ऑफ करेंट्स, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करेंट्स, और फिज़िक्स में इतना ही है। अब है इन्वायरमेंट से रिलेटेड नेचुरल रिसोर्सेज, जो टॉपिक है इन्वायरमेंट के अंदर वो है नेचुरल रिसोर्सेज। मैथमेटिक्स में आपका जो सिलेबस दिया हुआ है वो नंबर सिस्टम्स यानी रियल नंबर्स, एलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आने वाले हैं वो लाइंस हैं इन टू डायमेंशंस, जिसका रिव्यू भी नीचे इस तरह का कुछ दिया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब आने वाले हैं। और बाकी है अब हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से क्या क्या आएंगे तो उसके लिए है सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में कुछ 7 ये सब टॉपिक्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको देख लेना चाहिए। सर्कल्स में भी 2 टॉपिक हैं, कंस्ट्रक्शन में 2 टॉपिक है और ट्रिगोनोमेट्री में भी, ट्रिगोनोमेट्री में कितने टॉपिक्स हैं, ट्रिगोनोमेट्री में 3 हैं और जिसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री एंड आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंस,
अब है मेंसुरेशन एरिया, जिसमें है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि दिए हुए हैं सिलेबस में। अब हम यहीं तक था हमारा साइंस का सिलेबस। अब इसके आगे जो सिलेबस हम मैं आपको बताऊंगी, जो टॉपिक्स वगैरह वो होंगे आर्ट्स एंड कॉमर्स के। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स के कुछ चीज़ें सेम भी थी, जिसमें सोशल साइंस जो मैंने बताया था कि ज़्यादा आने वाला है। तो सोशल साइंस में जो है टॉपिक्स वो है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड टू, थीम्स, इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। पहली टॉपिक्स है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंटेम्प्रेरी इंडिया टू के सब टॉपिक्स हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर। ये तो मेन टॉपिक्स हैं, लेकिन इनके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स हैं जो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दी है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स टू में हैं, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, उसमें अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये पेज नंबर 39 तक आपका कैरी कर रहा है, ठीक है। चलिए बस यहीं तक था हमारा उसका सिलेबस, साइंस एंड कॉमर्स, आर्ट्स एंड कॉमर्स के भी सिलेबस यहाँ तक हो गए कंप्लीट। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत सी मिलेंगी, जैसे जामिया में कितने स्कूल में कितने किसे कितना रिजर्वेशन मिलता है, और स्कॉलरशिप वगैरह एंड फीस वगैरह सारी चीज़ें इस प्रोस्पेक्टस में सब इंक्लूडेड है। तो आप खुद भी इस प्रोस्पेक्टस को पर्सनली रिव्यू कर सकते हो, और अगर इस प्रोस्पेक्टस बाकी अगर स्कूल से रिलेटेड या फिर जामिया के कॉलेज से रिलेटेड किसी भी चीज़ की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हो, हम आपको वहाँ पर जवाब देंगे और उससे रिलेटेड वीडियोज भी बनाएंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा जिसे इसकी ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच।